अगर हमें बजट में डेकोरेशन करना हो तो इंडोर प्लांट से अच्छा ऑप्शन नहीं है। अगर हम इन्हें एक बार ले लेते हैं तो थोड़ी सी ही मेंटेनेंस से ये घर को बिल्कुल नया लुक दे सकते हैं और हम इन्हें इधर उधर शिफ्ट भी कर सकते हैं। मेरा आज का वीडियो मेरे छोटे इंडोर प्लांट्स के ऊपर ही है। तो सबसे पहला प्लांट है एग्लोनेमा, ये पिंक कलर का मेरे पास है। बहुत सारी वेराइटी इसकी आपको मिल जाएंगी। बाकी जो वैरायटी हैं उनको थोड़ी सी मिनिमल केयर चाहिए, लेकिन जो ये पिंक कलर का है ये एक्स्ट्रा केयर मांगता है, जैसे कि हमें इसमें बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना है। ह्यूमिड इन्वायरमेंट इसे पसंद है और इसे हमें बिल्कुल भी डायरेक्ट सनलाइट में नहीं रखना है। आप इसके लिए ऐसी जगह चुनिए जहाँ पे इसको डायरेक्ट लाइट नहीं आती हो और थोड़ा शेडी एरिया हो। जैसे देखिए ये एरिया है, किचन की खिड़की से आती है इनडायरेक्ट लाइट यहाँ पे, और इसी तरीके से ही मैंने इसको रखा ऊपर की बालकनी में जहाँ पे पड़ी हुई है ये एक बेंच जिसका मैंने मेकओवर किया था। यहाँ पर भी इसको लाइट और हवा मिलती रहती है जिससे ये ग्रो कर लेता है। एक बेहद खूबसूरत पौधा है ये और मेरा फेवरेट है। नेक्स्ट पौधा है पीस लिली, ये भी एक इंडोर छोटा इंडोर प्लांट है। ये भी बहुत ही लो लाइटिंग प्लांट है, इसे भी डायरेक्ट सनलाइट से हमें बाहर रखना है और मैं इसमें फिल्टर्ड और डिस्टिल वाटर ही डालती हूँ। मैंने कहीं पढ़ा था कि इसे थोड़ा सा हम इसी तरीके का पानी दें, तो मैं इसे आरओ वाटर ही देती हूँ। इसमें वाइट फ्लावर्स आते हैं और थोड़ा सा वाइट कलर शांति का प्रतीक है, इसी तरीके से ये भी मेरे ख्याल से इसको इसीलिए शायद पीस लिली बोलते हैं। बहुत ही सुंदर ये प्लांट है और इसकी पत्तियाँ और इसकी ग्रीनरी जहाँ पे भी ये रखा जाए बहुत सुंदर लगती हैं। नेक्स्ट प्लांट है जीजी प्लांट, ये भी बेसिकली एक बहुत ही अच्छा प्लांट है, रिमूव करता है टॉक्सिन को, इसलिए ये बहुत पॉपुलर और फेवरेट भी है। इसको भी डायरेक्ट सनलाइट से हमें दूर रखना है और इसको पानी तभी दें जब मिट्टी पूरी सूख जाए। ओवर वाटरिंग इसके संग बिल्कुल नहीं करनी है, एक टफ इंडोर प्लांट है। धूप में रखने से इसकी पत्तियां जल भी जाती हैं। तो देखिए इस तरह से मैंने अपने लिविंग रूम की जो खिड़की है उसमें इन दोनों प्लांट्स को प्लेस किया है। ये एक एयर प्यूरिफाइंग प्लांट भी है। तो जो पीस लिली का प्लांट है और जीजी प्लांट है इनको यहाँ से मिलती रहती है डायरेक्ट लाइट, बिल्कुल खिड़की पे मैंने इनको रख दिया है, हवा मिलती रहती है और ये यहाँ पे बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। प्लांटर्स भी मैंने बहुत खूबसूरत इसके लिए लिए हैं जो भी इंडोर प्लांट्स हैं, ताकि ये ब्यूटीफाई करें। यहाँ पे लटका रखी है एक मैंने टी लाइट, जिसमें देखिए रात को स्ट्रिंग लाइट और टी लाइट जलाने के बाद जो ये इंडोर प्लांट्स हैं इनका अपना ही व्यू एक बहुत ही सुंदर निकल कर आता है। तो अगर आप बड़े इंडोर प्लांट्स रख रहे हैं तो उनके ऊपर स्ट्रिंग लाइट लगा सकते हैं, अदरवाइज आप अगर छोटे हैं तो आप साइड में कुछ भी स्ट्रिंग लाइट वगैरह रख सकते हैं, टी लाइट रख सकते हैं, इससे इनकी खूबसूरती और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। तो इस तरह से देखिए यहाँ पे रखे हुए हैं ये दोनों प्लांट और इन्हें सारी रिक्वायरमेंट इनकी पूरी हो रही है। नेक्स्ट प्लांट है मेरा जो ये इंडोर प्लांट है, ये बहुत ही चीप प्लांट है और आप समझ ही गए होंगे ये है सिंगोनियम का प्लांट। बहुत ही सुंदर प्लांट होता है, सबसे बड़ी चीज़ ये होती है बहुत सस्ता मिलता है, ये आपको 20-25 रुपए में ये प्लांट मिल जाता है। बहुत हल्की केयर चाहिए और वैसे भी जो इंडोर प्लांट्स हैं उनको हमें ये ध्यान रखना है कि बहुत ज़्यादा वाटरिंग नहीं करनी है। नेक्स्ट प्लांट देखिए ये है, ये बहुत ही सुंदर इसकी पत्तियां हैं, ये सिर्फ पत्तियों की वजह से मुझे पसंद आता है, जनाडू का प्लांट है और इसे भी बहुत ज़्यादा पानी नहीं चाहिए और मतलब सॉयल को ड्राई होने के बाद ही हमें इसे पानी देना है, ड्राई शेड में रखना है और ये बिल्कुल टॉलरेट नहीं करेगा फुल सनलाइट। इसी तरीके से देखिए ये भी अलग अलग इंडोर प्लांट हैं। इंडोर प्लांट को आप डायरेक्टली एकदम घर में लाते ही संग अंदर मत रख दीजिए, नहीं तो वो सब खराब हो जाते हैं ये सारे प्लांट्स जो हैं। ये बिल्कुल भी ऐसा नहीं, क्योंकि नर्सरी में तो ये बाहर रखे रहते हैं और हम डायरेक्टली इनको अंदर ला के रख देते हैं तो ये मुरझा जाते हैं। तो अगर आप प्लांट लेकर आए तो उन्हें थोड़ा सा बाहर रखिए, शेडी एरिया में रखिए, उसके बाद धीरे धीरे उन्हें आदत डालिए जिससे कि वो अंदर आ सकें। अब देखिए ये है रबर प्लांट, इस प्लांट की बड़ी ग्लॉसी लीव्स होती हैं, आउटडोर के लिए परफेक्ट है, लेकिन मैंने जो है अब इसे इंडोर भी रखा है। थोड़ा सा टफ प्लांट है, इंडोर तो नहीं रखा है इसे, मैंने अपना बाहर के पोर्च एरिया में रख रखा है। ओवर वाटरिंग इसको बिल्कुल नहीं करनी है और इसकी पत्तियों को एक डैम क्लोथ से आप पोंछते रहिए। और अगर आप इसे छोटा रखना चाहते हैं तो इसे पॉट में ही लगाइए, अगर बड़ा करना चाहते हैं एक पेड़ की तरह से तो आप इसे जो है गमले में ना रख के मिट्टी में डायरेक्टली लगा सकते हैं। एक बहुत ही सुंदर प्लांट है और बहुत ही प्यारा ये लगता है।
ऐसे कई सारे प्लांट्स हैं जो कि हम जिनको हम इंडोर और आउटडोर दोनों जगह पे ही रख सकते हैं। तो ये एक ऐसा ही प्लांट है जिसे आप आउटडोर और इंडोर दोनों जगह रख सकते हैं और इसकी भी बहुत सारी वैरायटी अवेलेबल हैं। अब देखिए, ये प्लांट तो तकरीबन सबके घर में होता है। ये है एक छोटा सा बैम्बू प्लांट, इसे मैं अभी लेकर आई हूँ। पहले मैं एक बैम्बू प्लांट लेकर आई थी जिसे मैंने मिट्टी में लगा दिया था, लेकिन वो थोड़ा सा मैं घर से बाहर रही तो उसे प्रॉपर पानी वगैरह नहीं मिला तो सूख गया। आपके साथ वीडियो शेयर करूंगी। एक सुंदर प्लांट, छोटी सी केयर चाहिए और बहुत ही अच्छा ये लगता है। इसके बाद देखिए, ये है फिनिक्स पाम। पाम की बहुत सारी वैरायटी हैं। ये मैंने छोटा ही ले रखे हैं, छोटे छोटे हैं, इन्हें मैं कभी अंदर कभी बाहर रख देती हूँ। बहुत ही सुंदर ये लगते हैं। पानी इनको बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं चाहिए। जैसे ही आप इन्हें ज़्यादा पानी देंगे मतलब तो ये खराब होने लगेंगे। इसे सौगी बेसिकली मिट्टी नहीं चाहिए, बस मॉइस्चर रहना चाहिए मिट्टी में, बहुत ज़्यादा सनलाइट नहीं चाहिए। जैसे देखिए अरेका पाम है, जहाँ रख दो वहीं पे ही कोई और डेकोर आइटम रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है और ये सबको डोमिनेट करते हैं प्लांट अगर आप इन्हें अंदर रख देते हैं। तो ये कुछ ऐसे ही प्लांट हैं, जैसे अरेका हुआ। पाम की बहुत सारी वैरायटीज़ हैं। तो देखिए, ये मैंने अभी फ़िलहाल फिनिक्स पाम अपने बाहर रख रखे हैं। जैसे ही थोड़ा सा बाहर ही अच्छे से ग्रो करेंगे मैं इन्हें अंदर ले आऊँगी। तो आप इन्हें बालकनी में, पोर्च में, जहाँ थोड़ा सा शेडी एरिया हो वहाँ आप इन्हें रख सकते हैं। और जैसा कि मैंने कहा, बहुत महंगे नहीं हैं, तो आपको बहुत महंगे डेकोर आइटम खरीदने की ज़रूरत नहीं है और इन्हीं से आप अपने घर को बहुत अच्छे से सजा सकते हैं। अगर आप इन्हें आज लगाएंगे तो दिवाली तक ये बहुत अच्छा ग्रो करने लगेंगे। अब देखिए, ये प्लांट है, स्नेक प्लांट है, एक इंडोर प्लांट है। सॉयल मतलब सूखने दीजिए तभी वाटरिंग इसमें दें। और ये टफ प्लांट है, बेसिकली इसे आप लिविंग रूम में रख लीजिए, बाथरूम में रख लीजिए, ये कटिंग से बहुत आसानी से लग जाता है और सुंदर भी लगता है। एक टफ प्लांट है, कभी कभी इसमें देखिएगा एक आध फूल आ जाता है। मेरे एक स्नेक प्लांट में एक फूल आ रहा है, एक लंबी सी डंडी निकल कर आ रही है उसमें। तो ये कटिंग से भी बहुत आसानी से ग्रो हो जाता है। नेक्स्ट देखिए, मनी प्लांट। सेपरेट वीडियो है इसके ऊपर मेरा कि मनी प्लांट को कैसे लगाएं। ये मैंने अभी दो तीन दिन पहले इसमें लगा रखी हैं कुछ कटिंग्स। एक सुंदर से पॉट में मैंने इसे ले रखा है। बहुत बुशी मेरे पास मनी प्लांट्स ऑलरेडी हैं जो कि बहुत अच्छे लगते हैं जब मैं उन्हें कहीं पे भी उन्हें प्लेस कर देती हूँ। अपने घर को मैं मनी प्लांट से बहुत ज़्यादा सजाती हूँ और ये बहुत ही सुंदर लगते हैं। तो मनी प्लांट भी एक बहुत अच्छा इंडोर प्लांट है जिसे कोई भी बहुत ज़्यादा केयर नहीं चाहिए। तो ये थे मेरे इंडोर प्लांट्स और भी बहुत सारे इंडोर प्लांट्स मेरे पास हैं। धीरे धीरे आपके साथ शेयर करूंगी। आपको कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइएगा और लाइक्स देना थोड़ा कम मत करिए, बढ़ा दीजिए प्लीज़। तो फिर मिलते हैं एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के संग। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू एंड बाय बाय।